हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जाके सेट कर दो, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो जैसे कि भाई लोग पता है कि हमने भाई लोग वेब साइन लोकोमोटिव कंप्लीट कर दिया है, तो अब भाई लोग दो वीडियो डलेगी अब भाई लोग वेब साइन लोकोमोटिव की, जो कि कंप्लीट हो जाएगा फिर वेब साइन लोकोमोटिव। तो आज की इस वीडियो में हम इसका पेंटोग्राफ बनाना सीखेंगे, तो आपको भी जानना है इसे कैसे बनाना है। तो एक छोटे से इंट्रोग्राफ देखेंगे इसे कैसे बनाना है। मिलता है एक छोटे से इंट्रोग्राफ इसे कैसे बनाना है। आप सभी का एक छोटे से इंट्रोग्राफ स्वागत है। भाई लोग, ये मैंने कुछ सनबोर्ड के पीसेस लिए हैं इस प्रकार के, आपको भी इसी प्रकार से ले लेने हैं जिस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ। इसके भाई लोग मेजरमेंट मैं नहीं दिखाऊंगा अभी, वो आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से बनाना है। जैसे कि आपने लोकोमोटिव बनाया उस हिसाब से आपके मेजरमेंट बना लेना है। ये कुछ इस प्रकार के हमने दो दो पीसेस को एक साथ चिपका लिए हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसका हम कुछ इस प्रकार से रख करके स्क्वायर बॉक्स, मतलब बॉक्स टाइप का बना लेंगे इसे हम। कुछ इस हिसाब से एलसी के साथ ऐसे हम इसका पूरा स्क्वायर शेप में बना लेंगे इसे। कुछ इस हिसाब से जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, तो जो तरीके से मत करना इसे। ये भाई लोग, मेरे वेबसाइट लोकोमोटिव का साइज यही था, तो मैंने इसी हिसाब से मैंने उसी साइज के हिसाब से मैंने इधर पेंटोग्राफ का बेस बना रहा हूँ। ये हमने पूरा बना लिया, आपको भी बना लेना है। ये कुछ इस प्रकार का मेजरमेंट दे दिया, इसे हम काट लेंगे पहले। ये कुछ इस हिसाब से लगेगा भाई लोग, जो हमारा ऊपर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेता है जो हमारा पेंटोग्राफ, ये वो वाला पोर्शन है। अभी तो कुछ इस प्रकार से कर करके मोड़ देंगे इसे हम भाई लोग। ऐसे हमने कर लिया, मोड़ दिया आपको अच्छे से। ये थोड़ा सा मैंने गैस पर हीट दे करके इसे मोड़ा है, और आपको ध्यान से रख करके मोड़ना वरना ये ख़राब भी हो जाता है गैस पर जल्दी। उसके लिए मैंने पेपर स्ट्रिप लिया, उसके नीचे मैंने एक साइकिल की स्पोक रख दिया, फिर उसके हिसाब से हम इसे रोल कर लेंगे पेपर स्ट्रिप को। ये अच्छे से आपको रोल कर लेना है। इसे मैं अच्छे से रोल कर लूँगा। आपको ये भाई लोग आराम आराम से कर करके रोल करना है, क्योंकि भाई लोग जो साइकिल का स्पोक होता है वो एकदम छोटा होता है। उसके बाद भाई लोग मैं यहाँ पे एल्फी डालूंगा। अब भाई लोग आप बोलोगे कि ये मैंने पूरा क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई लोग जो हमें चाहिए इस प्रकार का, हमें पतला ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इतने पे ही छोड़ दिया। और इसे जो आखिरी मतलब कि एक्स्ट्रा पीस होता है उसे मैं इस प्रकार से कर करके काट लूँगा, फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से फिर से एल्फी डाल दूँगा जिससे कि अच्छे से हो जाए। इसे मैं इस प्रकार से रोल रोल कर दूँगा जिससे कि ये एकदम रफ, मतलब कि सैंड पेपर से घिसना ना पड़े, इसलिए मैंने इस प्रकार से कर दिया जिससे कि एकदम ये लाइन पे आ चुका है। इस प्रकार से एक और मैंने ले लिया ये, लेकिन थोड़ा सा मोटा लिया मैंने इसे, थोड़ा सा हमने मोटा बनाया है। उसके बाद जो हमने पिछली वीडियो मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले बनाया वो मैंने दो पीस ले लिए हैं। उसके बाद फिर से एक और मैंने ये पेपर रोल बना लिया छोटा सा इतने का कुछ इस हिसाब से। फिर उसके बाद कुछ मोटे वाले पे आपको कुछ इस प्रकार से रख करके आपको एल्फी की सहायता से स्टिक कर लेना है। ये मैंने एल्फी के साथ ऐसे ऐसे स्टिक कर लिया है, ऐसे ही दूसरे तक भी हम कर लेंगे। लेकिन भाई लोग, ये जो आप करोगे एकदम आमने सामने होनी चाहिए, ये दोनों पॉइंट जैसे ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी इक्वल होना चाहिए, अलग अलग मत करना वरना ये पेंटोग्राफ काम नहीं करेगा। ये मैंने कुछ इस हिसाब से मैंने बना लिया, आपको भी इसी प्रकार से बना लेना है। उसके बाद ये मैंने सनबोर्ड का पीस लिया, उसके बाद कुछ इस हिसाब से पतले वाले पेपर रोल को मैंने इस हिसाब से स्टिक कर लिया है। उसके बाद एक और पेपर स्ट्रिप लेना, वही वाला रोल लेना है, और इसको हम मेजरमेंट के हिसाब से रखेंगे। कुछ इस हिसाब से मैंने रख करके इसे फिर से एल्फी की सहायता से स्टिक कर लिया है। यहाँ पर मैं एल्फी डाल के इसे अच्छे से स्टिक कर लेता हूँ।
कुछ इस हिसाब से ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया। और जो मैं एक्स्ट्रा पीस हमने उसे काट लिया उसका फिर से मैंने सनबोर्ड का पीस लिया, ये हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रख करके चिपका लेंगे एल्फी की सहायता से। यहाँ पर भी हम अच्छे से चिपका लेते हैं इसे। ये हमारा कुछ इस हिसाब से लग रहा है। उसके बाद भाई लोग कुछ इस हिसाब से आपको साइड साइड में ये इस प्रकार का सनबोर्ड लगा देना है दोनों तरफ। तो भाई लोग जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 22 अगस्त से पहले पहले हम अपना वेबसाइट लोकोमोटिव की वीडियो में सारी डाल दूंगा। और साथ ही साथ अब भाई लोग 22 अगस्त के बाद हम आर्डिनो भी लाने वाले, आर्डिनो से हम बनाएंगे अब हम ये भाई लोग रेलवे मॉडल भी बनेगा। बट भाई लोग अब रेलवे मॉडल थोड़े दिनों दिनों पर बनेगा अब, लेकिन अब हम आर्डिनो सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। और भाई लोग जिसको भी प्रोग्रामिंग सीखनी है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इसी चैनल पर प्रोग्रामिंग की भी थोड़ी बहुत वीडियो दिखाऊंगा आपको। आपको भी प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी, मेरे को भी पता है, तो प्रोग्रामिंग में मैं आपको थोड़ा बहुत सिखा सकता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत ही आता है मेरे को। उसके बाद भाई लोग मैंने इस पेंटोग्राफ में होल कर लिया दोनों तरफ लगाने के बाद। उसका ये वाला हमने जो लिया था ये हम कुछ इस हिसाब से पेंटोग्राफ का ये जो हमारा ये वाले पोर्शन पे आपको स्टिक कर लेना है एल्फी की सहायता से। ऐसे ही भाई लोग दोनों तरफ आपको स्टिक करने हैं। कुछ इस हिसाब से इस सब स्टिक कर लूँगा। मेरे ये थोड़ा कैमरे से दूर चला गया था ये वाला स्टिक करते समय। ये वाला कुछ इस हिसाब से हमने स्टिक कर लिया है। उसके बाद एक और हमने सनबोर्ड का पीस है उसे भी हमने दो दो बार चिपका लिया है। उसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप लगा दिया मतलब मार्किंग। उसके फिर साइड साइड में सनबोर्ड लगा दूंगा थोड़ा सा। कुछ इस हिसाब से आपको भी लगा लेना है। भाई लोग थोड़े दिनों में हम आर्डिनो सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए मैं आपको एक दो दिन में शॉर्ट वीडियो एक डालूंगा वो आप देख लेना। हम ब्लूटूथ कंट्रोल कार बनाने वाले हैं जो कि मोबाइल से चलेगा, इसलिए क्या भाई लोग जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कुछ इस हिसाब से मैंने इसे स्टिक कर लिया। उसके बाद भाई लोग इसके बीच में फिर से होल कर देंगे हम साइकिल के स्पोक जितना, तो उसे कुछ इस हिसाब से रखना है आपको। फिर उसका ये जो हमने मोटा वाले के ऊपर जो हमने ये दो वाले लगाए थे कुछ इस हिसाब से आपको इसे अंदर करना है और इसी स्पोक को आर पार कर देना है, जैसे कि हमारा ये हिंज टाइप का काम करेगा, मतलब कि डोर लॉकिंग सिस्टम या हिंज बोल दो कुछ भी बोल सकते हो आप इसे, ये उस हिसाब से काम करने वाला है। कुछ इस हिसाब से मैंने इसे अच्छे से अंदर कर दिया है, ये कुछ इस हिसाब से लग रहा है एकदम फ्रीली मूवेबल है। ये स्क्वायर वाले पीस में कुछ इस प्रकार से हम रख करके ऐसे एल्फी की सहायता से स्टिक कर लेंगे। इसे मैंने एल्फी डाल के स्टिक कर लिया है, कुछ इस हिसाब से हमारा दिखेगा पेंटोग्राफ। उसके बाद लोग जो हमने ये वाला बनाया था पेंटोग्राफ का ही पोर्शन था, उसके बाद हम इसके अंदर टूथपिक स्टिक डालेंगे। हम पहले इसे कुछ इस हिसाब से रख करके यहाँ पर टूथपिक स्टिक लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा पीस होएगा उसे हम काट लेंगे। ये मैं लगा देता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। कुछ इस हिसाब से हमारा टूथपिक स्टिक लग चुका है इसके अंदर। अब जो एक्स्ट्रा पीस है वो हम काट लेंगे। जो भाई लोग अभी टेढ़ा हो रहा है वो हम उसे पहले सीधा कर लेते हैं फिर उसके बाद काटेंगे इसे। ये हमने पेंटोग्राफ बना लिया। उसका ये जो पेंटो पैन बनाया था इसे हम कुछ इस हिसाब से एक इधर टूथपिक स्टिक लगाएंगे और इसे कुछ इस हिसाब से थोड़ा सा होल टाइप का उसके अंदर कर देंगे जिससे कि ये टूथपिक स्टिक लग जाए अच्छे से।
तो भाई लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जाके सेट कर दो, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सको। भाई लोग बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। ये भाई लोग कुछ इस हिसाब से टूथपिक स्टिक लग चुका है, उसके बाद मैंने एलपी डाल दूंगा इसके ऊपर। कुछ इस हिसाब से इस होल में हम इस हिसाब से रख लेंगे ये पेंटो पेन को। ये कुछ इस हिसाब से लगने के बाद इस हिसाब से दिख रहा है। उसके बाद फिर से हम इसे पेंटोग्राफ में वही टूथपिक के सहायता से लगा देंगे। ये कुछ इस हिसाब से हमारा वर्किंग करने लगा हमारा पेंटोग्राफ। कुछ इस हिसाब से जैसे देख पा रहे स्क्रीन पे बहुत बढ़िया हमारा पेंटोग्राफ वर्क कर रहा है। उसके ये जो हमने स्प्रिंग टाइप का बनाना आता है आपको सबको आता होगा भाई लोग, ये मैंने पेन के ऊपर वायर को रोटेट कर दिया, उसके बाद ये स्प्रिंग टाइप का बन चुका है। और उसे हम चारों कोने में एल्फी की सहायता से स्टिक कर लेंगे और एक ही साइज़ का आपको स्प्रिंग टाइप का काटना है भाई लोग। जिसको भी बनाना नहीं आता वो भाई लोग बोगी वाली वीडियो देख सकता है, जो हमने वेबसाइट लोकोमोटिव की बोगी बनाई थी उसके अंदर मैंने बनाना सिखाया था। और अभी भाई लोग इसके बाद हम वेबसाइट लोकोमोटिव का जो पार्ट 5th वीडियो आएगा उसमें भी सिखाया है मैंने, तो जब तक के लिए आप देख लो इसे। कुछ इस हिसाब से मैंने चारों कोने पे लगा दूंगा इसे अच्छे से। ये मैंने चारों कोनों पे लगा दिया। अभी हमारा पेंटोग्राफ तैयार हो चुका है वर्किंग के लिए। कुछ इस हिसाब से हमारा पेंटोग्राफ दिख रहा है। उसके थोड़ा सा ये मैंने सनबोर्ड का पीस लिया और उसे मैंने थोड़ा सा दबा दिया जिससे कि ये इजीली मुड़ जाए, क्योंकि सनबोर्ड को आप ऐसे ही मोड़ोगे तो ये टूट सकता है। इसे मैंने थोड़ा सा पेन से दबाव डाल करके इसे रोल कर दिया है हल्का हल्का सा। इस हिसाब से लगेगा रोल करने के बाद। उसके लिए मैंने पेंटोग्राफ फिर से ले लिया है और ये कुछ हम इस हिसाब से रख करके एल्फी की सहायता से स्टिक कर लेंगे। ये अच्छे से मैं स्टिक कर लेता तो फिर आपसे मिलता हूँ। ये मैंने पूरा स्टिक कर लिया तो भाई लोग पेंटोग्राफ तैयार हो चुका है अच्छे से। कुछ इस हिसाब से हमारा पेंटोग्राफ वर्क कर रहा है। उसके बाद लोग ये मैंने येलो पेंट ले रहा हूँ, एक्रेलिक कलर बोलते हैं इसे। इसे हम येलो कलर से पूरा पेंट कर देंगे और जो स्प्रिंग है उसे हम रेड ही रहने देंगे, क्योंकि रेड कलर अच्छा लग रहा है स्प्रिंग के ऊपर। इसे अच्छे से पेंट कर लेता हूँ। ये पेंट करने का ये भाई लोग मैंने वो मतलब कि इसके ऊपर लगा दिया हुआ है। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। ये भाई लोग लगाना मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि वेबसाइट लोकोमोटिव का पार्ट 5th वीडियो होगा उसमें दिखा दूंगा मैं आपको लगा करके। ये हमारा पेंटोग्राफ एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। जिसने भी भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी।